Bismillahir Rahmanir Rahim. Respectable teachers and very, very dear students, Assalamu Alaikum. आज मेरा मौजू आपके लिए बड़ा हैरत अंगेज मौजू होगा, वो है हैप्पीनेस, प्लेयर या फिर खुशी। खुशी एक ऐसी नेमत है जो बांटने से बढ़ती है, ये एक वैध कमोडिटी है। तवज्जो है आपके मेरी तरफ? बाकी कोई चीज़ें बांटने से कम होती हैं, लेकिन खुशियां बांटने से उसके अपने पास खुशियों की तादाद बढ़ जाती है। एक खूबसूरत दुआ है जो अमूमन बुज़ुर्ग देते हैं कि अल्लाह ताला आपको खुशियां दे, और इससे अच्छी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुशियां बांटने की तौफीक दे। खुशी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। बुनियादी ज़रूरत से क्या मुराद है कि जिस तरह इंसान की ज़रूरत है खुराक, पानी, हवा, इसी तरह खुशी इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से एक है। जो इंसान खुश रहते हैं उनकी बॉडी जो है, बॉडी केमिस्ट्री वो अलग होती है और बहुत बेहतर होती है। मसलन आप सुनते होंगे कि वो इंसान बड़ा परेशान है और उसको भूख नहीं लगती, और आजकल उसको भूख भी नहीं लगती और उसकी टांगों में, उसके सर में दर्द रहता है। वजह ये होती है कि खुशी की मिकदार उसमें कम हो जाती है। जब इंसान मुस्कुराता है, मुस्कुराहट जो है वो कायनात का एक म्यूज़िक है। मुस्कुराहट जो है एक कीमती नेमत है। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जिस्म सारा मूव करता है, आपके पट्टे मजबूत होते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि चेहरे के अंदर छोटे छोटे मसल्स होते हैं जो कि बिल्कुल मूव नहीं करते, और ये मूव उस वक्त सिर्फ करते हैं, हरकत उस वक्त करते हैं जब आप मुस्कुराते हैं। मुस्कुराहट जो है चेहरे की अट्रैक्शन और खूबसूरती में इजाफा करती है। मुस्कुराहट जो है सबसे अच्छी चीज़ होती है, और कहका जो है एक बदतरीन चीज़ होती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप किसी को इनक्रेज कर रहे होते हैं, उसको दाद दे रहे होते हैं, और जब आप कहका लगाते हैं तो अमूमी तौर पर आप किसी की तौहीन कर रहे होते हैं, उसकी तजलील कर रहे होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे, लेकिन आपको कहका लगाते हुए कभी नहीं देखा गया। मुस्कुराने वाले इंसान का दिल और ख्यालात दोनों इंतहाई खूबसूरत होते हैं। ये लोग कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा, अहम सवाल ये है कि खुशी मिलती कैसे है? क्या खुशी खरीदी जा सकती है? मैं आपको एक मिसाल दूं, आप इस शख्स को जानते होंगे सारे, इसका नाम है माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन के पास इतनी दौलत थी, तवज्जो नहीं आप लोगों की, 9th क्लास, माइकल जैक्सन के पास इतनी दौलत थी कि उसका सिर्फ जो घर था, इतना बड़ा घर था कि उस घर के अंदर चक्कर लगाने के लिए उसको गाड़ी के अंदर सफ़र करना पड़ता था, और उसने कोई आर्टिफिशियल ट्रेन बनाई हुई थी जिसके ऊपर बैठ के अपने घर का चक्कर लगाता था। वो 80-90 कनाल का विला था उसका। शोहरत उसकी इतनी थी कि अगर
इंग्लैंड के अंदर किसी जगह लोगों को ये पता चल जाए कि माइकल जैक्सन ने आज शाम को यहाँ से गुजरना है, तो सुबह से लाइनें लगनी शुरू हो जाती थी। और उसका नाम इतना था कि मेरे ख्याल में अमेरिका के प्रेसिडेंट को कोई नहीं जानता होगा, लेकिन माइकल जैक्सन को लोग जानते थे। और जानते हैं उसकी मौत कैसे आई? उसकी मौत आई कि उसको नींद नहीं आती थी, परेशान था, और वो रात को सोने के लिए नींद की गोलियां खाता था। और एक दफ़ा उसने नींद की गोलियों की ओवरडोज ले ली, ज़्यादा मकदार ले ली, जिसकी वजह से उसकी मौत आ गई। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि खुशी पैसे के अंदर नहीं है, खुशी बड़े घरों के अंदर नहीं है, खुशी जो है शोहरत के अंदर नहीं है। इंसान तो यही सोचता है ना कि मेरी शोहरत हो, मेरे पास पैसा हो, मेरी पहचान हो, तो इसका मतलब ये है कि इन चीज़ों में खुशी जो है पोशीदा नहीं है। फिर खुशी कहाँ है, कहाँ इसे तलाश किया जाए? ये इतनी बेबहा कमोडिटी जिससे इंसान की सेहत बेहतर होती है, मुस्कुराहटों से, जहाँ मुस्कुराहटें होती हैं वहाँ अल्लाह की रहमत होती है, वहाँ और खुशियाँ आती हैं। तो फिर ये कहाँ से मिलती है? ज़माने तीन किस्म के हैं, आप जानते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट जो है, माजी जो है, वो तारीख है, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। एंड प्रेजेंट इज प्रेजेंट यानी गिफ्ट। माजी जो हमसे चला जाता है, ये लम्हा, आज का दिन, आज के बाद चला जाएगा और ये कभी फिर लौट कर नहीं आएगा। 2015 जा चुका है और कभी आप बैठ के याद करेंगे कि 2015 में हम कहाँ थे, लेकिन इसे वापस लौटाया नहीं जा सकता। इसी तरह 2016 भी गुजर जाएगा और ये गुजरते जाएंगे, और जब गुजर जाते हैं तो ये सब कुछ एक ख्वाब सा बन के रह जाता है। माजी से हम सबक सीख सकते हैं, लेकिन माजी को दोहरा नहीं सकते। फ्यूचर इज मिस्ट्री, हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन कल के बारे में आप सिर्फ गुमान कर सकते हैं कि कल कैसा होगा। और अगर गुमान ही करना है तो हमें अच्छा गुमान करना चाहिए, बुरा गुमान नहीं करना चाहिए। मसलन कुछ लोग बहुत सारी तोहमात का शिकार होते हैं। तोहमात क्या होती हैं? ज़हनी कन्फ्यूजन्स होती हैं। सिर्फ कुछ लोग कहते हैं कि मैं गाड़ी चला रहा था, मोटरसाइकिल चला रहा था, मेरे सामने से काली बिल्ली गुजर गई, मेरा रास्ता काटा और मुझ पे मुसीबत आने वाली है। कुछ लोग और कहते हैं कि मेरे घर की मुंडेर पे आज काला कौवा बोला है, खैर नहीं है, कुछ होने वाला है। अच्छा, ये सारी तोहमात है। और कुछ लोग इतना यकीन करते हैं कि कहते हैं कि मैं घर से निकला, गाड़ी के सामने से काली बिल्ली गुजरी और मैंने समझ लिया कि आज कुछ होगा, और आगे जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि याद रखिए, उस काली बिल्ली का कोई कसूर नहीं है, ना ही काली बिल्ली से कोई ऐसी चीज़ नमूदार हुई है। अगर फ़र्क है तो उसने गलत गुमान किया था, वो उसकी सोच की वजह से उसके साथ ये हादसा पेश आया है। और बाद में बड़ा स्याना होकर कहता है कि मैंने तो कहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ हो गया।
मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, मेरे सामने से काली बिल्लियाँ के कई काले बिल्ले गुजर जाते हैं, कभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने कभी इस किस्म का गुमान ही नहीं किया। तो कल के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में हम इतना कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम अच्छा गुमान करें। कल पेपर कैसा होगा गुमान करें, अच्छा होगा, आसान होगा, मैं उसको कर लूँगा, यही अच्छा गुमान किया जा सकता है ना। अच्छा, जो लोग अच्छा गुमान करते हैं, अच्छी उम्मीद रखते हैं, उनके साथ अच्छा ही होता है, और जो लोग बुरा होने का अंदेशा रखते हैं उनके साथ अक्सर बुरा ही होता है। एक और अहम बात मैं आपको बताऊं कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, खुशी एक रवैये का नाम है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं उस वक्त बड़ा खुश हो जाऊंगा जब इम्तिहान पास करके इस स्कूल से फारिग होकर कॉलेज में पहुंच जाऊंगा, फिर मैं जनाब डॉक्टर बन जाऊंगा उस वक्त बड़ा खुश होऊंगा, फिर मैं अपना कारोबार करूंगा उस वक्त बड़ा खुश होऊंगा। नहीं, खुश होना है तो वो यही लम्हा है जिसको मैंने कहा है कि प्रेजेंट इज़ द गिफ्ट, यही लम्हा है जिसके अंदर आप खुश रह सकते हैं, वरना खुश होने का इंतज़ार करते रहेंगे तो कभी भी खुशी आपके पास नहीं आएगी। यही लम्हा जो इस वक्त टिक करके गुजर जाएगा, हर लम्हा एक सेकंड की आवाज़ जो आती है टिक टिक टिक, इसके साथ गुजरता रहता है। ये हमारे कंट्रोल में है कि हम चाहें तो हम इसे खुश होकर गुजार दें और चाहें तो हम गमगीन होकर गुजार दें। हम चाहें तो इस लम्हे के अंदर हम दूसरों का ख्याल रखें और दूसरों को कोई तकलीफ़ ना दें, या फिर हम रंज और मुसीबत में ये लम्हे गुजार दें और दूसरों के ऊपर भी परेशानियां मुसल्लत कर दें। अच्छा, खुशी जो होती है ये इंसान के अंदर की एक कैफियत का नाम है, बाहर से कोई चीज़ इंसान को खुश नहीं कर सकती, अगर करती भी है तो चंद लम्हों के लिए, चंद मिनट्स के लिए खुश करती है। मसलन आपने मोटरसाइकिल, आपके अबू ने आपको मोटरसाइकिल ख़रीद कर दिया, आप बड़े खुश हो गए, लेकिन कितने दिन आप खुश रहेंगे? चंद दिन, उसके बाद ये रूटीन बन जाती है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनके पास एक गाड़ी है, वो बड़े खुश होते हैं कि हमारे पास एक गाड़ी है, लेकिन चंद दिन, फिर वो कहते हैं बड़ी गाड़ी ख़रीद लें, GLI ख़रीद लें, वो जब आती है तो कुछ दिन खुश होते हैं, उसके बाद फिर ये रूटीन बन जाती है, फिर इससे बड़ी गाड़ी पिजारो ख़रीद लें, फिर उससे बड़ी। अच्छा, करोड़ों रुपया ज़ाया करके, करोड़ों रुपया लगा के वो सिर्फ चंद दिन की खुशी ख़रीदते हैं, हालांकि उनको ये पता नहीं है कि ये करोड़ों रुपया जो आपने लगाए, अगर 1,00,000 रुपया सिर्फ गरीबों में तकसीम कर दें तो उससे ज़्यादा खुशी, कई गुना ज़्यादा और दायमी खुशी मिल सकती है। खुश रहने के लिए ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, इसकी तारीफ यह है कि जब बांटते हैं तो और बढ़ती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि दूसरों का ख्याल रखें। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। एक शख्स दुनिया से बड़ा तंग था, वो कहता था मेरे दोस्त भी बड़े ख़राब हैं, मेरे मोहल्लेदार भी बड़े ख़राब हैं, वक्त भी बड़ा ख़राब है, सब लोग बड़े ख़राब हैं। वो अल्लाह से दुआ मांगता था कि ऐ अल्लाह मुझे मौत दे दे और जन्नत दे दे, मैं मर जाऊं और मुझे जन्नत मिल जाए। काफ़ी अरसे तक वो दुआ करता रहा, आखिरकार एक फरिश्ता अल्लाह के पास गया
कि ऐ अल्लाह ये इतने अरसे से ये दुआ मांग रहा है, इसकी दुआ सुन ले। अल्लाह ने कहा कि इसको जाके एक पैगाम दे दो कि आप 40 दिन तक जब भी किसी से मिलोगे हंस कर मिलोगे, मुस्कुरा के मिलोगे, किसी की बदतरीफी नहीं करोगे, किसी की गीबत नहीं करोगे, जब भी कोई मिलेगा उसको अस्सलाम वालेकुम कहोगे। 40 दिन तक ये काम करे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं इसको जन्नत दे दूँगा। उस बंदे को जब पैगाम पहुँचा तो वो तो बड़ा खुश हो गया कि ये तो कुछ भी नहीं है, 40 दिन क्या, मैं तो 90 दिन के लिए तैयार हूँ कि मैं जो है लोगों को सलाम भी करूँगा, जो वर्दियाँ कहेंगे मुझे जन्नत मिल जाए और इस दुनिया से मेरी जान छूट जाए, बस ख़त्म। खैर उसने यही काम शुरू कर दिया, हर सुबह घर से निकले जो भी नज़र आए अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, उसके अलावा दूसरों का हाल अवाल पूछे, दिल में सबको अच्छा कहना शुरू कर दिया, बुरा कहने के बजाय अच्छा कहना शुरू कर दिया, अच्छा सोचना शुरू कर दिया। तो 40 दिन जब गुजरे तो वो फरिश्ता पैगाम लेके आया कि अल्लाह की तरफ से तुम्हें पैगाम है कि तुमसे जो कहा गया तुमने पूरा कर दिया, अब जन्नत आपके नाम हो चुकी है, मरने के बाद आपको जन्नत मिल जाएगी। तो उस बंदे ने पता क्या कहा, उसने कहा कि जन्नत मिल क्या जाएगी, मुझे तो जन्नत मिल गई है, मुझे जन्नत मिलेगी क्या, मुझे तो जन्नत मिल गई है, मैं तो अब इतना खुश हूँ कि जन्नत में भी शायद मुझे इतनी खुशी ना मिले जितना आज मैं खुश हूँ। मतलब क्या है कि जब हम लोगों का ख्याल रखते हैं, जब हम लोगों को के बारे में बुरा ख्याल तर्क कर देते हैं, जब हम लोगों को मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, तो बुनियादी तौर पर हम अपना ख्याल रख रहे होते हैं। जितनी खुशियां हम लोगों को देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा खुशियां हमारे पास लौट कर आती हैं। एक हदीस का या कुरान पाक की आयत का मफहूम है कि आप जो कुछ दुनिया को देते हैं वो लौट कर आपकी तरफ आता है। आप लोगों को मोहब्बत की निगाह से देखते हैं तो लोग मोहब्बत से देखते हैं, आप लोगों को दुआएं देते हैं तो लोग आपको दुआएं देते हैं, लेकिन अगर आप लोगों से नफरत करते हैं तो लोग आपसे ज़्यादा आपसे नफरत करते हैं, अगर आप लोगों को बददुआएं देते हैं तो लोग आपको उससे ज़्यादा बददुआएं देते हैं। तो ये रेसिप्रोकल प्रोसेस है, जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट के आता है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हम खुशी के पैगंबर बने, हम लोगों से नफरत छोड़ दें, हम लोगों से मोहब्बत करें। इंसान से नफरत नहीं करनी चाहिए, इंसान की बुराई से नफरत करनी चाहिए। अगर कोई इंसान बुराई कर रहा है तो उसकी बुराई से नफरत करनी चाहिए। हमें अपने दोस्तों की तादाद में इजाफा करना चाहिए, रोज़ बरोज़ हमें अपने दोस्तों की तादाद में इजाफा करना चाहिए, दुश्मनों की तादाद में कमी करनी चाहिए। बाज़ लोग दुश्मनों की तादाद कैसे कम करते हैं, खुदा न खास्ता ऐसे क्रिमिनल होते हैं जो दुश्मनों को मार कर समझते हैं कि हम दुश्मनों की तादाद कम कर सकते हैं। नहीं, सही तरीका ये है कि दुश्मन को दुश्मन के बजाय दोस्त बना लो तो ऑटोमेटिकली दुश्मनों की तादाद कम हो जाएगी और दोस्तों की तादाद बढ़ जाएगी। तो अल्लाह हम सबको खुशियाँ फैलाने की और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाने की तौफीक दे। थैंक यू।